दोस्तों हमारा ब्रह्मांड खतरों से भरा हुआ है। फिलहाल आपको अपने आसपास ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही होगी जो आपकी जान ले सकती है, लेकिन यहाँ पर ना जाने कब क्या हो जाए और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो जाए। यूनिवर्स के बारे में हम काफी ज्यादा नॉलेज को जुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अगले ही पल घटने वाले घटना को ना तो भांप सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर कल के दिन हमारी धरती पर कोई परेशानी आ जाती है और हमें इसे छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ता है, तो हमारे लिए पॉसिबल ऑप्शंस क्या है। अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ की पॉसिबिलिटीज की, तो इस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ला चुका हूँ। लेकिन क्या सोलर सिस्टम के बाहर हमें कहीं लाइफ की पॉसिबिलिटीज मिली है? शायद आप नहीं जानते होंगे कि वैज्ञानिकों ने अभी तक सिर्फ हमारे मिल्की वे में ही 180 करोड़ एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया है। इनमें से कम 30 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में स्थित है और यहाँ पर धरती जैसे कंडीशंस होने का अनुमान है। मतलब अगर कल के दिन हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाने और वहाँ पर रहने की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेते हैं, तो हम इन ग्रहों को अपना फ्यूचर होम्स बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद कुछ ऐसे ही प्लैनेट्स की सैर कराने वाला हूँ जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सबसे पहले तो मैं आपको ले जाने वाला हूं हमारे सोलर सिस्टम से सबसे करीब वाले स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी को ऑर्बिट करने वाले एक एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी पर। ये धरती से सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसे अगस्त 2016 में डिस्कवर किया गया था और ये हमारी धरती से 1.3 टाइम्स बड़ा है और 1.2 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। धरती की तरह ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसे अपने स्टार को एक बार ऑर्बिट करने में सिर्फ 11.2 अर्थ डेज लगते हैं, जो कि काफी कम है। हैबिटेबल जोन में आने के कारण यहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लगभग धरती की तरह ही है और यहाँ पर लिक्विड वाटर होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी है। हमारे सूरज के कंपैरिजन में प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार काफी ज्यादा सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स को रिलीज करता है। ऐसे में ये अपने करीब वाले प्लैनेट्स को कभी भी बर्बाद कर सकता है। हालांकि इसका टेम्परेचर भी -39 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफी हद तक धरती की तरह ही होगा और हम इसे अपने फ्यूचर होम की लिस्ट में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं केपलर सिस्टम के प्लैनेट्स की। 7 मार्च 2009 को नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया था, जिसने कई सारे एक्सोप्लैनेट्स की खोज की थी। इसका नाम फेमस जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान्नेस केपलर के नाम पर रखा गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप से कई सारे हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लैनेट्स को खोजा गया था। इनमें से पहला प्लैनेट है केपलर 62e। ये धरती से 1200 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित स्टार केपलर 62 को ऑर्बिट कर रहा है। ये धरती से 1.6 टाइम्स ज्यादा रेडियस का है और 4.5 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। इसका एवरेज टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है और ये करीब 700 करोड़ साल पुराना है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जमीन भी है और काफी ज्यादा ओशंस भी है। यही नहीं, ये प्लैनेट डेंस क्लाउड से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पर ठीक ठाक एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि इसके इतने बड़े शेप को देखते हुए कई सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि हमारे सारे अंदाजे गलत हो और ये महज एक नेपच्यून की तरह गैसियस प्लैनेट हो। बट मोस्टली वैज्ञानिक तो इसे हैबिटेबल प्लैनेट ही मानते हैं। केपलर 62e के बस थोड़े से ही आगे चले तो हमें मिलता है केपलर 62f। ये भी केपलर 62 स्टार को ही ऑर्बिट करता है। इसकी रेडियस धरती के कंपैरिजन में 1.4 टाइम्स ज्यादा है और मास 2.8 टाइम्स ज्यादा है। इसके बारे में भी दो संभावनाएं जताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जमीन और पानी दोनों है, तो कुछ लोग इसे नेपच्यून की तरह ही एक गैसियस वर्ल्ड मानते हैं। अपने सोलर सिस्टम के सबसे आउटर मोस्ट प्लैनेट होने के बावजूद ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसका एवरेज टेम्परेचर करीब -65 to -17 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर पानी होगा भी तो ये आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसकी एज करीब 700 करोड़ साल है और केपलर 62 की साइज के स्टार्स छोटी साइज के कारण 3000 करोड़ साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि हमारा सूरज करीब 1000 करोड़ साल तक ही एग्जिस्ट कर सकता है।
ये प्लैनेट अपने स्टार से सफिशियंट दूरी पर भी है और इसीलिए यहाँ पर सोलर रेडिएशन का खतरा भी काफी कम है। इन सभी चीजों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस एक्सोप्लैनेट को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट माना है और सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के तहत इस पर रिसर्च भी चल रही है। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ धरती से 582 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित रेड ड्वार्फ स्टार कैपलर 186 को ऑर्बिट करते एक एक्सोप्लैनेट कैपलर 186b पर। इसकी रेडियस धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 10% ज्यादा है और मास 1.4 टाइम्स ही ज्यादा है। इतने ज्यादा सिमिलर शेप और मास के कारण इसे धरती का कजन भी कहते हैं। ऑब्वियसली ये अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में स्थित है और इसीलिए ये इस लिस्ट का हिस्सा भी है। इसका टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच का माना जाता है और इसीलिए इस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन 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 हमें इसके बारे में एक और बात भी जान लेनी चाहिए कि हमें इसके एटमोस्फेयर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैज्ञानिक ये समझ नहीं पाए हैं कि ये पूरी तरह से रॉकी प्लैनेट है या फिर ये गैसियस प्लैनेट भी हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर घने बादल देखे हैं और इसके कारण इसके रॉकी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कुछ स्टडीज से ये भी सामने आया है कि ये अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, पर फिलहाल तक इसके बारे में कंफर्मिटी के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जून 2018 में आई एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि कैपलर 186b पर क्लाइमेट बिल्कुल धरती की तरह हो सकता है और यहाँ पर सीजन भी चेंज होते होंगे। इट मीन्स कि ये हमारे फ्यूचर होम के लिए एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है। जून 2017 में कैपलर स्पेस टेलीस्कोप से एक और एक्सोप्लैनेट को खोजा गया था। इसका नाम KOI 7701.01 रखा गया है। इसकी साइज धरती के कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स ज्यादा है और इसकी अपने सूरज से डिस्टेंस भी लगभग धरती के बराबर ही है। यही कारण है कि इसे अपने स्टार से लगभग उतनी ही लाइट मिलती है जितनी कि हमें अपने स्टार से मिलती है और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वाटर भी हो सकता है। हालांकि इसके एटमोस्फेयर के बारे में हमें कोई खासा इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। चलिए अब कैपलर सीरीज से आगे बढ़ते हुए दूसरे पॉसिबल एक्सोप्लैनेट्स की ओर जाते हैं। धरती से सिर्फ 11 लाइट ईयर्स दूर वर्गो कॉन्स्टेलेशन में रॉस 128 नाम का एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इस स्टार को ऑर्बिट करने वाला एक एक्सोप्लैनेट रॉस 128b इसके हैबिटेबल जोन में आता है। इसे 15 नवंबर 2017 को चिले की लासिला ऑब्जर्वेटरी से डिस्कवर किया गया था। धरती के कंपैरिजन में ये 1.35 टाइम्स ज्यादा बड़ा और 1.28 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। इंटरेस्टिंगली इसका टेम्परेचर -65 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जो धरती पर रहने वाले हम इंसानों के लिए काफी सही है। अगर बात करें इसके होस्ट स्टार रोस 128 की तो ये हमारे सूरज से 5 गुना ज्यादा छोटा है और सिर्फ 17% लाइट को ही एमिट करता है। इसका टेम्परेचर सूरज के कंपैरिजन से सिर्फ 60% है, लेकिन ये सूरज से 2 गुना ज्यादा एज का है। ऑल इन ऑल ये हमारे सूरज की तरह ही काफी शांत और सीधा स्टार है। हमारे इस लिस्ट के दूसरे एक्सोप्लैनेट्स के कंपैरिजन में यह अपने हैबिटेबल जोन में पूरी तरह से नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस एक्सोप्लैनेट का मास, टेम्परेचर और साइज इसे धरती जैसा बनाते हैं और यहाँ पर एटमॉस्फेयर होने के चांसेस भी जताए जाते हैं। इस कारण से ये भी हमारे लिए फ्यूचर होम का एक पॉसिबल कैंडिडेट बन जाता है। आखिर में बात करते हैं ग्लीज 581g की। ये धरती से सिर्फ 20 लाइट ईयर्स दूर लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में स्थित रेड ड्वार्फ स्टार ग्लीज 581 को ऑर्बिट करता है। इसे जार्मिनास वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। हमारे इस लिस्ट के दूसरे एक्सोप्लैनेट्स के विपरीत इस एक्सोप्लैनेट के होने या ना होने पर भी सवाल उठाया जाता है। इसे साल 2010 में हवाई के केक ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर स्टीवन स्कॉट वोट ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसके कुछ साल बाद यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी की एक टीम ने इसके एग्जिस्टेंस को नकार दिया। उसके बाद से कुछ सर्वेज में इसे कंफर्म किया जाता है और कुछ सर्वेज में इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए जाते हैं। कहते हैं कि ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और इस तरह यहाँ पर लिक्विड वाटर तो जरूर होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब इसे खोजा गया था तो स्टीवन वोट ने कहा था कि इसका एवरेज टेम्परेचर -37 से -11 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और उनके अनुसार इस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी 100% है। लेकिन कई सारे इफ्स और बट्स के कारण और उसके एग्जिस्टेंस पर उठाए जाने वाले सवालों के कारण उनके दावों पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता।
धरती जैसे लगने वाले हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की इस लिस्ट में अभी भी बहुत सारे प्लैनेट्स बाकी है। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं और इस एपिसोड का एपिसोड 2 भी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ भाई, केवल कमेंट से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको इस वीडियो को लाइक भी करना होगा और शेयर भी करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दिखाना होगा, तभी जाकर हम इसका एपिसोड 2 लेकर आएंगे। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।